हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ने से पहले हमें एक छोटा सा एक्सप्रेशन देखना है, ओके। और उस एक्सप्रेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले एक ट्यूब कंसीडर करेंगे, ट्यूब या फिर एक ट्यूब या फिर एक पाइप कंसीडर करेंगे, जिसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो चेंज हो रहा है, ओके। आप देख सकते हैं इस ट्यूब में, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। तो जो भी आपकी ट्यूब का जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है उसकी लेंथ के साथ, ओके। तो अब यहाँ पे अब हमने दो क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर किए हैं। यहाँ ये हो गया ए वन पॉइंट एक्स के ऊपर, और पॉइंट वाई के ऊपर हो गया एरिया हमारा, ये जो यहाँ पे जो भी क्रॉस सेक्शन है एरिया वो है ए टू। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन और सेक्शन में थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पर, तो यहाँ पर सेक्शन वर्ड यूज़ किया है एक्चुअली, यहाँ पे सेक्शन वर्ड यूज़ किया है, दैट सेक्शन वर्ड मीन्स क्रॉस सेक्शन, ओके। तो हम यहाँ पे सेक्शन बोलेंगे मीन्स इस पाइप के एक पोर्शन को, जैसे यहाँ पे ये पोर्शन हो गया ई एफ जी एच, एक पोर्शन हो गया, और पी क्यू आर एस से दूसरा पोर्शन हो गया। इन दोनों पोर्शन में जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कांस्टेंट है, ओके। तो इस सेक्शन में जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है ए वन, और इस सेक्शन में जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है ए टू। पॉइंट एक्स से ये शुरू होता है, ई एफ जी एच रीजन शुरू होता है, और पॉइंट वाई से पी क्यू आर एस रीजन शुरू होता है। तो अब यहाँ पे आपका जो भी फ्लूइड इसमें से फ्लो हो रहा है, ओके, जो भी आपका फ्लूइड इसमें से फ्लो होगा, ओके, इस जो भी फ्लूइड आपका इस पाइप से फ्लो होगा, ओके, तो वो जो फ्लूइड हमने कंसिडर किया है वो है इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। अब इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड मीन्स ऐसा फ्लूइड जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, ओके। तो अब इस रीजन में क्या होगा कि जहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए वन है, यहाँ पे समझ लीजिए आपके फ्लूइड के जो भी पार्टिकल है आपकी या फिर आपका जो भी फ्लूइड है उसकी जो वेलोसिटी है वो रहेगी वी वन, और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए टू है या फिर ये जो सेक्शन है पी क्यू आर एस, यहाँ पे आपके फ्लूइड की वेलोसिटी होगी वी टू। तो दोनों जगह जो भी वेलोसिटी है आपके फ्लूइड की वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो चेंज हो रहा है। ये जो एक्सपीरियंस है इस तरीके का, ये आप अपने घर पे भी इस तरीके का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो जब भी आप आपके घर के पाइप को के आगे के हिस्से को जब प्रेस करते हैं उसका, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करते हैं, तो उससे जो पानी निकलता है वो फोर्सफुली पानी निकलता है। लेकिन अगर आप उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते हो बाय एनी हाउ, तो उससे निकलने वाले पानी की स्पीड भी कम हो जाएगी। इसीलिए जो भी आपके फ्लूइड है, जो भी इस ट्यूब में फ्लो हो रहा है, उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है सेक्शन के हिसाब से, ओके, या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हिसाब से। अब ऐसा क्यों होता है? हियर द पार्टिकल मूव्स फास्टर इन द नैरो सेक्शन। जो भी पार्टिकल होते हैं नैरो सेक्शन के, मीन्स जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, ओके, या मतलब जहाँ पे स्पेस कम है वहाँ के जो भी पार्टिकल है फ्लूइड के वो फास्ट मूव होते हैं एज़ कम्पेयर टू द पार्टिकल इन द ब्रॉडर रीजन, ओके, जो भी आपका ब्रॉडर रीजन है। तो यहाँ पे जो आपके पार्टिकल की वेलोसिटी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, ओके, और यहाँ पे कम रहेगी, ओके। और ये क्यों होता है? टू एडजस्ट द पार्टिकल बिहाइंड इट, हेंस इट इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज। ये यहाँ पे वेलोसिटी क्यों इंक्रीज होती है इस रीजन में? क्योंकि जो भी पीछे से आने वाले पार्टिकल है उनके लिए जगह बनाने के लिए आगे के पार्टिकल बहुत जल्दी से, मीन्स यहाँ पे पहले ही स्पेस कम है, ओके, इस रीजन में स्पेस कम है समझ लीजिए। तो क्या होगा, आपके जो भी कोई फ्लूइड का कोई पार्टिकल अगर अंदर घुसा, ओके, तो ये पार्टिकल फट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसके पीछे दूसरा पार्टिकल है और इस पार्टिकल को इस पार्टिकल के लिए जगह बनानी है, तो इसके कारण आपका ये पार्टिकल फास्ट मूव होगा।
लेकिन इस रीजन में यहाँ पे कैसे क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा स्पेस होती है, तो जो भी आपके फ्लूइड पार्टिकल है वो स्लोली मूव होते हैं। ओके ओके, व्हेन द पार्टिकल एंटर इन अ वाइडर रीजन इट स्लोज डाउन बिकॉज देर इज अ मोर स्पेस। जो भी आपके पार्टिकल है एंटर जब एंटर होते हैं वाइडर रीजन में, तो वहाँ पे ज़्यादा स्पेस होने के कारण वो स्लो हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ फ्लूइड इज इनकॉम्प्रेसिबल। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आपका फ्लूइड जो है वो है इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। द पार्टिकल मूव्स फास्टर थ्रू द नैरो सेक्शन एंड स्लोज डाउन वाइल दे आर मूविंग थ्रू द वाइडर सेक्शन। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी कि जब भी आपके पार्टिकल्स फास्ट मूव होते हैं, जब वो एंटर करते हैं नैरो रीजन में, और वो स्लो मूव होते हैं या फिर स्लो डाउन हो स्लो हो जाते हैं जब वो वाइडर सेक्शन में एंटर करते हैं। ओके, इफ द फ्लूइड डज नॉट मूव फास्टर, अगर आपका फ्लूइड फास्ट मूव नहीं हो रहा है नैरो रीजन में, तो ये क्यों होगा? इट विल बी कॉम्प्रेस टू फिट इन टू द नैरो स्पेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका फ्लूइड जो होगा वो कॉम्प्रेस हो जाएगा। ओके, मतलब उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो ये चीज़ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के केस में आपको नहीं देखने को मिलती, पर अगर आपका फ्लूइड कॉम्प्रेसिबल है तो आपके जो भी पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी जब वो नैरो रीजन में एंटर करेंगे, क्योंकि आपका फ्लूइड उस वक्त कॉम्प्रेस हो जाएगा। ओके, तो डेंसिटी भी चेंज होगी। तो ये कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को के फॉर्मूले को डिराइव करना है। तो उसके लिए ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे स्टेडी फ्लो, एक इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड का स्टेडी फ्लो कंसिडर करेंगे अपन एक पाइप के थ्रू, जिसका जो वीक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो वराय हो रहा है, जो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है थ्रू द पाइप ऑफ वराइंग क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सच दैट, अब यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, कि जो भी फ्लूइड है आपका, और सबसे पहले बात यहाँ पे और महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे जो पाइप है कि कुछ इस तरीके से आपका कि इसके अंदर जो भी फ्लूइड है आपका वो इसी के अंदर है, इस पाइप के अंदर ही है। ओके, इस रीजन में। ओके, वो पाइप को छोड़ के बाहर नहीं जा रहा। ओके, पाइप को छोड़ के बाहर नहीं जा रहा मीन्स बाहर से इस ये जो पाइप का ये जो सेक्शन है, ये जो भी सेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बाहर से कोई पार्टिकल इस सेक्शन में या फिर इस रीजन में जो आपका जो पाइप है इस रीजन में बाहर से एंटर नहीं करेगा। तो जो भी फ्लूइड है वो इसके अंदर ही रहेगा और इससे आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। ओके, आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। तो बाहर से इस ये जो पाइप का ये जो एरिया है या फिर ये जो पार्ट है पाइप का, यहाँ से इस रीजन से कोई दूसरे पार्टिकल फ्लूइड के अंदर नहीं आएंगे। ओके, या फिर बाहर भी नहीं जाएंगे। तो भी जो भी मास है आपके फ्लूइड का इस पाइप के अंदर, इस सेक्शन के अंदर, वो हो गया कांस्टेंट। ओके ओके, कंसिडर ई एफ जी एच एंड पी क्यू आर एस सेक्शंस। ओके, आपको इस दो सेक्शन कंसिडर करने हैं, ई एफ जी एच और पी क्यू आर एस। ओके, और इस पहले वाले सेक्शन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 और इस सेक्शन का है A2। इस सेक्शन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द सेक्शन, जो भी इतना रीजन है आपके पाइप का, इतना जो पार्ट है आपके पाइप का उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 रहेगा, और इतने पार्ट में जो भी पी क्यू आर एस है वहाँ पे A2 रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा इस रीजन में। ओके ओके, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ओके, विद इन द ट्यूब इनक्लोज बिटवीन द सेक्शन ई एफ जी एच एंड पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि जो भी मैटर प्रेजेंट है इन दोनों सेक्शन के बीच में, वो मैटर ना ही क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। ओके, तो जो भी मास यहाँ पे प्रेजेंट है इन दो सेक्शन के बीच में फ्लूइड का, वो रहेगा कॉन्स्टेंट। ओके, देयर फॉर द मास ऑफ द फ्लूइड विद इन द रीजन इज कॉन्स्टेंट ओवर द टाइम। जो भी मास रहेगा वहाँ पर इन दो सेक्शन के बीच में वो कॉन्स्टेंट रहेगा। मीन्स द मास, इफ मास एम ऑफ द फ्लूइड इज एंटर इन सेक्शन ई एफ जी एच, इक्वल मास ऑफ द फ्लूइड शुड बी लीव इन लीव द सेक्शन पी क्यू आर एस। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर समझ लीजिए कि मास जो भी यहाँ पे जो भी मास है आपके फ्लूइड का, वो समझ लीजिए m है और वो है फिक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समझ लीजिए जो भी मास यहाँ से अंदर आएगा आपके सेक्शन ई एफ जी एफ से, ओके, वो मास यहाँ से निकल जाएगा, उतना ही मास यहाँ से
बाहर निकल जाएगा पी क्यू आर एस सेक्शन में, क्योंकि समझ लीजिए यहाँ पे मास समझ लीजिए शुरुआत में था m, ओके, और यहाँ से समझ लीजिए डी एम इतना मास आया, ओके, तो डी एम इतना मास इस सेक्शन से अंदर आया ई एफ जी एच, तो यहाँ पे मास पहले से हमारा मास प्रेजेंट है m, तो ये डी एम इस m में ऐड हो जाएगा, ओके, तो यहाँ का मास चेंज हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ का मास जो है वो कांस्टेंट था, तो यहाँ से अगर डी एम मास घुसा तो क्या होगा, इस सेक्शन से अगर डी एम मास घुसा तो इस सेक्शन से डी एम इतना मास बाहर निकल जाएगा और आपका जो भी मास है यहाँ पर फ्लूइड का वो कांस्टेंट रहेगा, ओके। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो भी पार्टिकल्स हैं यहाँ पे वो सेम ही रहेंगे, इस सेक्शन ये जो हिस्सा है इन दो सेक्शन के बीच का, इसका मतलब ये नहीं हुआ, तो यहाँ से समझ लीजिए कोई पार्टिकल एंटर करते हैं, ओके, तो डी एम इतने मास के पार्टिकल समझ लीजिए एंटर करते हैं, तो यहाँ से इस सेक्शन से डी एम इतने मास के पार्टिकल यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि डी एम आया और डी एम निकला तो मास यहाँ पे एम ही बचेगा, ओके, तो पार्टिकल्स जो भी हैं यहाँ के वो बदल जाएंगे, जो क्योंकि वहाँ यहाँ नए पार्टिकल आ जाएंगे क्योंकि फ्लो हो रहा है हमारा फ्लूइड, ओके, पर जो भी मास है ऑल ओवर मास इस सेक्शन में फ्लूइड का वो कांस्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, लेट द स्पीड ऑफ फ्लूइड विच क्रॉसेज द सेक्शन ई एफ जी एच इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी बी वी वन, तो आपका जो फ्लूइड जब ई एफ जी एच इस सेक्शन से गुजरेगा, ओके, तो उसकी जो भी वेलोसिटी रहेगी वो रहेगी वी वन, और समझ लीजिए कि टाइम डेल्टा टी में उसने आपके इस सेक्शन को क्रॉस कर लिया, तो ये जो भी डिस्टेंस है यहाँ पर जो भी डिस्टेंस आपके फ्लूइड ने ट्रैवल किया यहाँ पर वो डिस्टेंस रहेगा वी वन डेल्टा टी। आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता ही है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके, तो इससे आप फॉर्मूला बना सकते हैं डिस्टेंस का, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, वेलोसिटी इनटू इनटू टाइम, तो वी वन डेल्टा टी क्या होगा, ये हो गया वो डिस्टेंस जो आपके फ्लूइड ने ट्रैवल किया जब वो सेक्शन ई एफ जी एच से गुजरा। सेम लॉजिक हम इस्तेमाल करेंगे सेक्शन पी क्यू एस के लिए, ओके, अब आगे देखते हैं, तो ओके, दस द मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग द ट्यूब थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ए वन एट पॉइंट एक्स इज रो ए वन वी वन डेल्टा टी। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि जो भी मास एंटर करेगा यहाँ पर, ओके, आपके इस सेक्शन ई एफ जी एच में वो मास रहेगा आपका दैट इज नथिंग बट रो इंटू ए वन, ओके, रो इंटू ए वन एंड देन वी वन और डी टी, वी वन डी टी। अब यहाँ पर रो तो आपके फ्लूइड की डेंसिटी है जो कि कांस्टेंट रहेगी, ओके, ए वन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वी वन इंटू डी टी है आपका ये जो डिस्टेंस आपके या फिर आप बोल सकते हैं वी वन इंटू डी टी आपके सेक्शन की लेंथ है। तो आपको मास का फॉर्म आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल्स टू व्हाट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ओके, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी है यहाँ पर, तो ये जो टर्म यहाँ पे दिख रही है ए वन वी वन इंटू डी टी ये इंडिकेट कर रही है यहाँ पर वॉल्यूम हमारे इस सेक्शन ई एफ जी एच का। तो वो कैसे निकलेगा वॉल्यूम का फॉर, ये जो वॉल्यूम है वो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, ये कैसा वॉल्यूम है, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, तो सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, तो सिलेंडर का समझ लीजिए ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ए और ये हो गई उसकी लेंथ एल, ओके, तो यहाँ पे जो भी वॉल्यूम आएगा आपके सिलेंडर का वो आएगा ए इंटू एल, तो ये आपके सिलेंडर का वॉल्यूम होगा। सेम यहाँ पे ये जो एरिया है ये भी ये जो सिलेंडर है आपका वो भी सॉरी सिलेंडर मीन्स ये जो सेक्शन है आपका ई एफ जी एच वो सिलेंड्रिकल शेप का ही है, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए वन और ये जो लेंथ है आपके सिलेंडर की या फिर यस इस सिलेंडर की या फिर इस सेक्शन की आपके पाइप के वो रहेगी वो है वी वन इंटू डी टी, तो ए वन
है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वी वन इंटू डी टी है ये लेंथ, तो ये हो गया टोटल मिला के वॉल्यूम। तो और रो से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो हमको मिलेगा मास, वो मास जो एंटर करेगा आपके इस सेक्शन ई एफ जी एच में। ओके, तो मास एम का फॉर्मूला जो भी है, जो भी मास है जो भी एंटर करेगा आपके सेक्शन ई एफ जी एच में, उसका फॉर्मूला आएगा रो इंटू ए वन वी वन डी टी। ओके, अब देखते हैं पॉइंट नंबर फाइव। सिमिलरली द स्पीड ऑफ फ्लूइड विच क्रॉसेस सेक्शन पी क्यू आर एस इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज़ वी टू। तो जो भी स्पीड रहेगी आपके फ्लूइड की जब वो क्रॉस करेगा सेक्शन पी क्यू आर एस, तो वो रहेगी समझ लीजिए वी टू। तो जो भी डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा उस सेक्शन में, या फिर जो भी उस सेक्शन की लेंथ रहेगी, वो आएगी वी टू इंटू वी टू डी टी। और इस सेक्शन का क्रॉस सेक्शन है ए वन, तो यहाँ पे एंटर करने वाले मास का फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो क्या आएगा वो फार्मूला, जो भी मास यहाँ पे एंटर करेगा सेक्शन पी क्यू आर एस में, वो उसका फार्मूला रहेगा रो। अब लिक्विड की डेंसिटी तो चेंज नहीं हो रही, तो वो तो यही रहेगा क्योंकि इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है हमारा रो। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया है ए टू। ओके, और इसकी जो लेंथ है इस सेक्शन की, वॉल्यूम निकालने के लिए इस सेक्शन का, वो रहेगी वी टू इंटू डेल्टा डेल्टा टी। तो ये हो गया वो मास जो एंटर करेगा इस सेक्शन पी क्यू आर एस में। ओके, बस यही दिया हुआ है पॉइंट नंबर फाइव में। ओके, सिमिलरली दस द मास ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग द ट्यूब थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ए टू एट पॉइंट वाई, दैट विल बी रो ए टू वी टू एंड इंटू डेल्टा टी। अब As a fluid is incompressible, the mass of the fluid entering the tube at point X is same as the mass leaving the tube at point Y. उन्होंने क्या कहा है कि अब हमारा जो fluid है वो incompressible है, मतलब उसकी density constant है, तो जो भी mass point X से enter करेगा, okay, वही mass उतने ही quantity का mass point Y से बाहर निकलेगा। okay, तो यही हमारे इस पॉइंट में दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मास एंटर कर रहा है हमारे सेक्शन ई एफ जी एच में, वही मास बाहर निकल रहा है सेक्शन पी क्यू आर एस से। सो जो भी मास एंटर करेगा यहाँ वो है एम, तो जो भी मास बाहर निकलेगा, या फिर इसमें जो भी मास बाहर निकलेगा वो रहेगा एम। तो यहाँ पे बस वही लिखा हमने, मास ऑफ द फ्लूइड इन सेक्शन ई एफ जी एच इज इक्वल्स टू मास ऑफ सेक्शन पी क्यू आर एस। ओके, तो जो मास यहाँ पे एंटर कर रहा है वही अगर पी क्यू आर एस से बाहर निकल रहा है सेक्शन से, तो जो मास तो यहाँ पे एंटर करने वाला मास और यहाँ से निकलने वाला मास दोनों सेम है। ओके, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं जो भी मास प्रेजेंट है सेक्शन पी क्यू ई एफ जी एच में, वो सरीखा है मास प्रेजेंट इन सेक्शन पी क्यू आर एस में। ओके, तो बस दोनों के फॉर्मूले है हमारे पास, तो हमने इसे पुट कर दिया यहाँ पर। जो भी मास एंटर कर रहा है सेक्शन ई एफ जी एच में वो है रो ए वन वी वन डेल्टा टी, और जो मास सेक्शन पी क्यू आर एस में है वो है रो ए टू वी टू डेल्टा टी। अब यहाँ पे रो रो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, या फिर इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ओके, दैट इज ऑल्सो अनदर वे टू राइट दिस इक्वेशन नंबर वन। तो यहाँ पे ये जो ए वी है, दैट मीन्स ए इज़ वॉट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके, वी इज़ वॉट वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन दैट सेक्शन, ओके, इन दैट सेक्शन, ओके, सो इज़ द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। अब इसे ही हम कहेंगे वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। कैसे, देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा वो सेक्शन, ओके, तो इस सेक्शन की लेंथ है समझ लीजिए डी एक्स, ओके, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। तो ए वी वी इज इक्वल्स टू वॉट डी एक्स बाई डी टी। ओके, डी एक्स बाई डी टी जो भी आपके फ्लूइड की जो भी वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, डी एक्स बाई डी टी। ओके, तो डी एक्स मीन्स ये डिस्टेंस आपका फ्लूइड क्रॉस कर रहा है इन टाइम डेल्टा टी डी टी में। तो क्या होगा, वी इंटू डी एक्स, सॉरी ए इंटू डी एक्स, ए इंटू डी एक्स मतलब क्या आएगा, आपके इस जो भी आपका जो सेक्शन है उसका वॉल्यूम रहेगा डी वी, और वो आएगा a इंटू डी एक्स। तो a इंटू डी एक्स की जगह हम लिखेंगे dv। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम, दैट इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ
वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम, या फिर रेट ऑफ द वॉल्यूम, या फिर इसे कहेंगे हम वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो. रेट में लगाया मीन्स दैट इज नथिंग बट डिवाइडेड बाय टाइम, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये जो फिजिकल क्वांटिटी है चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ पे वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, इसीलिए हम ए वी को कहते हैं वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड. हमने उसको डिस्क्राइब भी किया है यहाँ पर कि क्यों ए वी को वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि ए वी बराबर है डी वी बाय डी टी के. ओके, अब यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन टू जो है, ओके इक्वेशन टू जो है यहाँ पर, या फिर इक्वेशन वन भी बोल सकते हैं आप, इक्वेशन वन या इक्वेशन टू, इसे ही हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्लूइड डायनामिक्स में. ओके, तो इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, ये या फिर ये इक्वेशन हमें क्या बताता है. द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेज दैट द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, ओके फॉर अ स्टेडी फ्लो इज सेम थ्रू आउट द फ्लो. इसका ये इक्वेशन हमें क्या बताता है कि जो भी हमारा वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो है, किसका, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड का, कौन सा फ्लूइड जो कि स्टेडीली फ्लो हो रहा है, वो सेम होता है थ्रू आउट द फ्लो. वो सेम होता है थ्रू आउट द फ्लो, ओके, कि वो कभी चेंज नहीं होगा. जो भी आपका वॉल्यूम रेट है आपके फ्लूइड का, वो कभी चेंज नहीं होगा. कौन सा फ्लूइड, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड. जो भी, फिर से एक बार, जो भी आपके वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो है, ओके आपके इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड का, ओके जो कि स्टेडी फ्लो में है, वो हमेशा सेम रहेगा थ्रू आउट द फ्लो. बस यही हमें बताता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ओके, अब एक नोट देख लेते हैं हम, एक छोटी सी नोट. ओके ओके, द क्वांटिटी डी वी बाई डी टी इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम. ओके, और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोज पर यूनिट टाइम. डी वी को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोज पर यूनिट टाइम, या फिर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब ऑफ फ्लो. ओके, पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब ऑफ फ्लो. ट्यूब ऑफ फ्लो, या फिर आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं ट्यूब भी. तो ये जो आपकी डी वी बाई डी टी, ये जो भी क्वान्टिटी है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम, ये यही फ्लो होगी आपके क्रॉस सेक्शन से ऑफ द ट्यूब के. और ये जो क्वांटिटी है वो रहेगी कांस्टेंट. तो इसीलिए हम इसे वॉल्यूम फ्लक्स भी कहते हैं. ओके, तो वॉल्यूम फ्लक्स क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि डी वी बाई डी टी ये जो क्वांटिटी है, ओके डी वी बाय डी टी ये जो भी क्वांटिटी है, ये भी जो भी हमारे डी वी बाई डी टी ये जो भी क्वांटिटी है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम, ये जिस भी क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो होगी, ओके जिस भी क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो होगी, तो वो ये जो क्वांटिटी है डी वी बाई डी टी ये कॉन्स्टेंट रहेगी, ओके थ्रू आउट द पाइप. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइप, हमारे पाइप का जो भी क्रॉस सेक्शन है वो चेंज होते जा रहा है. तो आप कहीं पे भी डी वी बाई डी टी की वैल्यू मेजर कीजिए, यहाँ पर वो आपको कॉन्स्टेंट ही मिलेगी. तो इसीलिए हम इसे वॉल्यूम फ्लक्स भी कहते हैं. ओके, इसीलिए हम इसे वॉल्यूम फ्लक्स भी कहते हैं. अब सिमिलरली आपको मास फ्लक्स का भी फॉर्मूला दिया हुआ है. मास फ्लक्स का, वॉल्यूम फ्लक्स मीन्स डी वी बाई डी टी. तो मास फ्लक्स मतलब क्या होगा, डी एम बाई डी टी. तो मास इज इक्वल्स टू वॉट, रो इंटू वॉल्यूम. ओके, रो इंटू वॉल्यूम, दैट इज नथिंग बट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो एम को लिखा मैंने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डी वी. तो मास डेंसिटी के को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रो इंटू डी वी बाई डी टी. अब रो इंटू डी वी बाई डी टी इज वॉट, दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम फ्लक्स. ओके, तो मास फ्लक्स इज इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम फ्लक्स. ओके, दैट्स अ रिलेशन बिटवीन मास फ्लक्स एंड वॉल्यूम फ्लक्स. ओके, अब एक नोट देख लेते हैं. ओके, व्हेन वाटर इज रिलीज फ्रॉम द डैम. ओके, जब भी वाटर रिलीज करते हैं डैम से, तो द अमाउंट ऑफ वाटर इज मेंशन इन टर्म्स ऑफ 1000 मिलियन क्यूबिक फीट. तो जो भी डैम से जब भी पानी रिलीज किया जाता है, तो उसकी जो भी क्वांटिटी होती है, तो उसे इस तरीके से इस यूनिट के थ्रू इंडिकेट किया, जिसे हम TMC भी कहते हैं. ओके, तो जिसका मतलब होता है 1000 मिलियन क्यूबिक फीट. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 मिलियन क्यूबिक फीट. ओके,
तो क्यूबिक फीट मींस ये वॉल्यूम है, ओके, दैट्स नथिंग बट वॉल्यूम, अमाउंट, जो भी अमाउंट यहाँ पे वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है, ओके. तो आपके डैम से जब भी पानी छोड़ा जाता है तो उसका जो भी वॉल्यूम का जो भी यूनिट होता है वो ये होता है, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट. 1 TMC इज इक्वल्स टू 10^9 क्यूबिक फीट, और 1 TMC इज इक्वल्स टू होता है 10^9 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर पर सेकेंड, ऑफ वाटर पर सेकेंड. तो ये एक तरीके से वॉल्यूम पर सेकेंड, दैट इज मीन्स ये वॉल्यूम फ्लक्स है. तो इस वॉल्यूम से अगर समझ लीजिए आपका पानी अगर डैम से निकल रहा है तो वो उसको उसका जो भी यूनिट रहेगा फ्लो का, तो वो हम मेज़र करेंगे वॉल्यूम फ्लक्स के थ्रू. ओके, तो बेसिक यूनिट ऑफ द फ्लो इज क्यूसेक. जो भी बेसिक यूनिट होता है वो होता है क्यूसेक. तो क्यूसेक मीन्स क्यूबिक फीट, ओके, क्यूबिक फीट पर सेक. तो 1 क्यूसेक इज व्हाट? 1 क्यूसेक इज नथिंग बट, क्यूसेक मतलब क्या होता है, 1 क्यूबिक, क्यूसेक मीन्स क्यूबिक फीट पर सेकेंड. और इसका मतलब होता है कि 28.317 लीटर पर सेकेंड. तो जो भी आपका वाटर निकल रहा है आपके डैम से, वो 1 सेकेंड में उसकी जो निकलने की जो क्वांटिटी है वो 28.31 सेकेंड लीटर. ओके, लीटर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, लीटर वॉल्यूम का यूनिट है. ओके, ये ध्यान में रखिए. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ओके, इतना ही पोर्शन है, इतना ही पोर्शन है इसे, ये पूछा जा सकता है आपको एग्ज़ाम में. और ये आपके जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, थैंक यू.